नमस्कार विद्यार्थियों, माई सेल्फ राजेश गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस, बाबू शोभाराम, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। हम आज जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वो है भारतीय राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ और इसके संबंधित जो प्रमुख अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360, जो भारतीय राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियों से संबंधित ये प्रावधान है, भारतीय राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, इनके बारे में मैं पूर्व में कई वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अनुच्छेद 352 में जो राष्ट्रीय आपात संबंधी प्रावधान है, अनुच्छेद 356 में जो राज्य के संवैधानिक तंत्र विफल होने पर जो राष्ट्रपति शासन संबंधी प्रावधान है और अनुच्छेद 360 में जो वित्तीय आपातकाल संबंधी प्रावधान है, उनके बारे में पृथक पृथक, इसका अलग, इनका अलग और इनका अलग मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। इस वीडियो में आपको अपन इन तीनों का कंपेरिजन करने वाले हैं, तुलनात्मक विश्लेषण करने वाले हैं। तुलनात्मक विश्लेषण करने से हम तीनों जो आर्टिकल्स हैं, तीन प्रकार के जो विशेष जो आपातकालीन शक्तियां हैं, उनका तुलनात्मक विश्लेषण करने से हम तीनों को बड़ी आसानी से समझ पाएंगे। उदाहरण के लिए हम देखें तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहां अनुच्छेद 352, फिर अनुच्छेद 356, फिर अनुच्छेद 360। हम यहाँ अनुच्छेद 360 हम यहाँ एक कंपैरिजन बना लेते हैं, एक तालिका रूप में इसको हम अध्ययन करने की कोशिश करते हैं। इसे बोला जाता है राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल। इसे बोलते हैं राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता, राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता। जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाएगा, राष्ट्रपति महोदय को यह प्रतीत हो जाए राज्यपाल के प्रतिवेदन से यानी किसी तरीके से कि उस राज्य में जब संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है तो अनुच्छेद 356 का प्रयोग करके उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। इसे लोकप्रिय भाषा में हम राष्ट्रपति शासन भी बोलते हैं और यह है वित्तीय आपातकाल। जब हमारे देश की वित्तीय स्थिति को खतरा पैदा हो जाए तब राष्ट्रपति महोदय वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। पहली बात तो जो तीनों प्रकार के आपातकाल हैं, इनका न्यायिक पुनर्विलोकन संभव है, अर्थात न्यायिक पुनर्विलोकन संभव है। न्यायिक समीक्षा जिसे बोलते हैं वो इनकी संभव है। कैसे? यदि तीनों प्रकार के आपातकाल राष्ट्रपति महोदय लगाते हैं तो पहली बात तो राष्ट्रपति महोदय इनकी घोषणा स्वविवेक से नहीं कर सकते। वो जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है, जो उनका मंत्रिमंडल है, उनकी लिखित सहमति के आधार पर ही वो इन आपातकाल की घोषणा करेंगे। लेकिन आपातकाल के जो आधार है, आपातकाल के जो कारण है, वो संवैधानिक नहीं है तो उनको न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है और न्यायालय उन कारणों की जांच कर सकता है जिन आधारों पर आपातकाल लगाया गया है, और यदि समुचित कारण नहीं है तो वो उन पर समुचित कार्रवाई भी न्यायालय कर सकता है, उस आपातकाल को अवैध भी ठहरा सकता है। तो ये न्यायिक पुनर्विलोकन संभव है, पहली बात तो इनकी। दूसरी बात, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल संबंधी जो प्रावधान है वो कब प्रयोग होता है? बाहरी युद्ध, बाहरी आक्रमण, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह, इस कंडीशन पे ये आपातकाल लगेगा। ये भारत के पूरे संघ में भी लग सकता है, पूरे क्षेत्र में, या फिर भारत के किसी विशेष क्षेत्र, विशेष एरिया,
या फिर कोई राज्य, वहां पर भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। ये किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राज्यपाल के प्रतिवेदन से या फिर अन्य किसी तरीके से राष्ट्रपति को ज्ञात हो जाए तो उस राज्य में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। अनुच्छेद 360 का प्रयोग वित्तीय आपातकाल में, वित्तीय साख खतरा पैदा होने पर राष्ट्रपति महोदय इस आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। तीनों की जो घोषणा है वो मंत्री जो मंडल है उनके लिखित सहमति, लिखित परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति महोदय करेंगे। राष्ट्रपति जी ने घोषणा कर दी। राष्ट्रपति घोषणा करने के बाद जो राष्ट्रीय आपातकाल है, जो युद्ध, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह कारण लग रहा है, उसका संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, संसद के दोनों सदनों द्वारा एक माह के अंदर अंदर विशेष बहुमत से पास होना जरूरी है। जो घोषणा है उसका विशेष बहुमत से अनुमोदन होना जरूरी है। विशेष बहुमत से अनुमोदन जरूरी। सबसे बड़ी बात यह है, इनमें जैसे राष्ट्रपति जी घोषणा होगी, उसके घोषणा होने के एक माह बाद संसद के दोनों सदनों द्वारा इसे विशेष बहुमत से, अर्थात दो तिहाई। विशेष बहुमत का मतलब क्या होता है? दो तिहाई जो बहुमत है उससे उसका अनुमोदन होना जरूरी है। इसके अलावा अनुच्छेद 356 की बात करें तो यहां भी अनुमोदन संसद के दोनों सदन ही करेंगे। राष्ट्रपति की घोषणा हो जाएगी, उसके बाद इसका संसद के दोनों सदनों से इसका भी अनुमोदन जरूरी है, इसका भी अनुमोदन जरूरी है, ठीक है। लेकिन यहां एक माह में समयावधि थी राष्ट्रपति जी की घोषणा के बाद, यहां 2 माह, यहां 1 माह है, यहां कितने हैं? 2 माह। और वित्तीय आपातकाल में भी कितना समय है? 2 माह। अर्थात राष्ट्रपति जी घोषणा के बाद 1 माह के अंदर अंदर यदि राष्ट्रीय आपातकाल लगा है तो संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से उसे पास किया जाना जरूरी है। यहां ये समयावधि है, यहां 2 माह है, अर्थात राष्ट्रपति घोषणा के बाद 2 माह के अंदर अंदर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन जरूरी है। और वित्तीय आपातकाल में भी ये समयावधि 2 महीने ही है। यहां विशेष बहुमत है, यहां साधारण बहुमत है। साधारण बहुमत का मतलब समझते हैं, जो कुल संख्या का 50% उसमें एक जोड़ दीजिए, साधारण बहुमत। या विशेष बहुमत, यहां भी साधारण बहुमत, यहां भी साधारण बहुमत है। अर्थात जैसे ही राष्ट्रपति जी घोषणा हो गई, संसद के दोनों सदनों द्वारा 1 माह के अंदर अनुमोदन जरूरी है विशेष बहुमत से, यहां राष्ट्रपति जी घोषणा हो गई, 2 माह मिलेंगे, 2 माह में संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन जरूरी है साधारण बहुमत से, यहां भी राष्ट्रपति जी ने वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर दी, 2 माह में साधारण बहुमत से उसका अनुमोदन जरूरी है। घोषणा हो गई, यहां अनुमोदन हो गया, एक बार अनुमोदन होने के बाद यहां वो कितने माह तक काम करेगा? 6 माह तक। 6 माह, 6 माह, 6 माह करते हुए इस प्रकार इसको बढ़ाया जा सकता है। हर 6 माह में यदि राष्ट्रीय आपातकाल है तो विशेष बहुमत से उसका समर्थन, अनुमोदन जरूरी है, और इसको बढ़ा रखा जा सकता है अनंत काल तक। क्योंकि युद्ध, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह हैं को बहुत लंबे समय तक भी चल सकते हैं। इस कंडीशन में ये प्रभावी रहेगा, हर 6 माह में एक बार अनुमोदन होने के बाद ये 6 महीने तक प्रभावी रहेगा, फिर 6 माह में इसका अनुमोदन होगा और ऐसा करते करते अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। यहां अनुच्छेद 356 की बात करें तो यहां एक बार अनुमोदन कर दिया 2 माह के अंदर अंदर साधारण बहुमत से, तो 6 माह काम करेगा, फिर 6 माह काम करेगा, इस प्रकार इसको भी आगे बढ़ाया जा सकता है। अधिकतम ये 3 वर्ष तक कार्य करेगा, अर्थात किसी भी राज्य में जो राष्ट्रपति शासन है वो अधिकतम 3 वर्ष तक काम कर सकता है। लेकिन यदि 1 वर्ष से ज्यादा हो जाए तो 1 वर्ष से आगे तभी रह सकता है जब 2 कंडीशन होना जरूरी है। मैं बता चुका हूं पूर्व वीडियो में भी, पहली बात, हमारे देश में अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लगा हो, राष्ट्रीय आपातकाल,
लगा होना चाहिए, राष्ट्रीय आपातकाल हो, और जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग ये कह दे, केंद्रीय निर्वाचन आयोग ये कह दे कि अमुक राज्य में जहां राष्ट्रपति शासन लगा है वहां चुनाव करवाना संभव नहीं है, चुनाव करवाना संभव नहीं है, तभी वहां 1 साल से ज्यादा राष्ट्रपति शासन रखा जा सकता है। वित्तीय आपातकाल में एक बार घोषणा हो गई, उसके बाद संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन हो गया, इसके बार बार अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है, एक बार अनुमोदन से इसको अनंत काल तक बढ़ा के रखा जा सकता है, बार बार यहां अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है, केवल संसद के दोनों सदनों द्वारा एक बार ही अनुमोदन किया जाना जरूरी है। तो यहाँ 6-6 बार में अनुमोदन करना है, अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है, या 6-6 माह में अनुमोदन करना है, अधिकतम 3 वर्ष, लेकिन 1 वर्ष बाद इन दो कंडीशन का होना जरूरी है, तभी हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। अनुच्छेद 360 के अंदर जो वित्तीय आपातकाल की कंडीशन है उसमें एक बार संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन हो जाए, उसके बाद दोबारा अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। यहां बात करें अनुच्छेद 352 के तहत जो आपातकाल लगा है उसके अंतर्गत यदि हम प्रभावों की बात करें, तो जैसे ही ये युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह कारण आपातकाल लगेगा, जो अनुच्छेद जो 19 है वो हमारा प्रभावित होता है। यदि युद्ध और बाहरी आक्रमण के कारण आपातकाल लगा है, युद्ध और बाहरी आक्रमण के कारण इन दोनों, तो हमारी उस समय अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो हमें विचारों की जो स्वतंत्रता प्राप्त होती है वो उस समय निलंबित हो जाती है। लेकिन यदि आपातकाल सशस्त्र विद्रोह के कारण लगा है तो अनुच्छेद 19 हमें मिलता रहेगा। तो इस प्रकार युद्ध और बाहरी आक्रमण की स्थिति में अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाएगा। दूसरी बात, उस समय यदि अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लगा हुआ है, अनुच्छेद 352 के तहत यदि आपातकाल लगा हुआ है तब हमारे मूल अधिकारों का भी निलंबन किया जा सकता है। ये इसके लिए राष्ट्रपति का लिखित आदेश जरूरी है। जैसे ही इमरजेंसी होगी, राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा, युद्ध और बाहरी आक्रमण के कारण अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाती है, इसके लिए राष्ट्रपति जी के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है, उनके लिखित आदेश की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा तो मूल अधिकारों का जो निलंबन किया जाएगा, तो इसके लिए राष्ट्रपति जी के लिखित अनुलिखित जो आदेश हैं वो हमें प्राप्त होंगे, और अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर शेष जो मूल अधिकार वो निलंबित किए जा सकते हैं राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में। अनुच्छेद 356 में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है, यहाँ पर मूल अधिकार पूर्णतः प्राप्त होते रहेंगे, विचारों की आजादी पूर्णतः प्राप्त होती रहेगी। अनुच्छेद 360 में भी इस प्रकार का कोई भी नियम नहीं है। समाप्ति के बारे में बात करें, यदि राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त करना है तो राष्ट्रपति जी का घोषणा पर्याप्त है, यहां भी राष्ट्रपति जी की पश्चातवर्ती घोषणा के द्वारा इसे समाप्त किया जा सकता है, और वित्तीय आपातकाल को समाप्त करने के लिए भी राष्ट्रपति जी की घोषणा ही पर्याप्त है। लेकिन यहां अनुच्छेद 352 अर्थात राष्ट्रीय आपातकाल को यदि समाप्त करना है तो यहाँ एक बेनिफिट ये भी है कि यहाँ राष्ट्रपति जी भी इससे समाप्त कर सकते हैं, इसके साथ साथ जो हमारी संसद का जो निम्न सदन है लोकसभा, उसको भी शक्ति प्राप्त है। लोकसभा के 1/10 सदस्य हैं वो एक संकल्प अर्थात प्रस्ताव पास करके, प्रस्ताव के रूप में वो यदि लोकसभा अस्तित्व में है तो लोकसभा अध्यक्ष को दे दें, यदि लोकसभा उस समय अस्तित्व में नहीं है तो राष्ट्रपति जी से कह दिया जाए कि हम राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त करने के लिए सदन की बैठक बुलाना चाह रहे हैं, और जब सदन की बैठक आयोजित होगी तो उस बैठक में यदि वो साधारण बहुमत से प्रस्ताव पास हो जाता है तो तत्काल प्रभाव से राष्ट्रीय आपातकाल को हटा दिया जाएगा। तो इस प्रकार अनुच्छेद 352 को हटाने में राष्ट्रपति के साथ साथ लोकसभा को भी शक्ति प्राप्त है। यहां अनुच्छेद 356 में संसद के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है, संसद पश्चातवर्ती घोषणा के द्वारा इसे समाप्त नहीं कर सकती, इसके लिए राष्ट्रपति जी की घोषणा जरूरी है, और अनुच्छेद 360 भी राष्ट्रपति जी की घोषणा के द्वारा ही समाप्त, वित्तीय आपातकाल समाप्त किया जा सकता है। तो ये कुछ बहुत बारीक अंतर थे, इन अंतरों को समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी था,
इन अंतरों को समझने से इन तीनों के मध्य जो एक भेद है उनको हम बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। तो तीनों को इस तालिका रूप में समझने से हमने अनुच्छेद 352, 356, 360 तीनों की प्रकृति, तीनों की किन किन कारणों पर ये लगाया गया है और कैसे इनकी समाप्ति होती है, इनको हम आसानी से तुलनात्मक रूप से इनको समझ सकते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें प्रभावों की, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जैसे ही इमरजेंसी लग जाएगी तो जो केंद्र है वो राज्यों को उचित दिशा निर्देश जारी कर सकता है, केंद्र राज्य सूची के जो विषय हैं उन पर उसे कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, अर्थात राज्य सूची के विषय पर केंद्र भी कानून बना सकता है और उस समय राज्य भी, लेकिन दोनों में जो टकराव हो जाए तो केंद्र कानून मान्य होगा। तो उस समय इमरजेंसी की जो कंडीशन है उस समय सभी राज्य सूची के विषय एक तरीके संवर्त सूची के विषय हो जाते हैं, जहां पर केंद्र को भी कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा उस समय मुख्य रूप से संघात्मक, जो भारत एक संघात्मक देश है, वो सारी शक्तियां एक एकात्मक रूप में परिवर्तित हो जाती है, संघीय कार्यपालिका के पास अत्यधिक शक्तियां उस समय हो जाती है, वो राज्यों को इस हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर सकते हैं। अनुच्छेद 356 में भी जैसे ही राष्ट्रपति की घोषणा हो जाती है उस राज्य की जो मंत्री परिषद है वो निलंबित हो जाएगी, और लेकिन उस समय उस राज्य की विधानसभा जीवित रहेगी, अस्तित्व में रहेगी, लेकिन जैसे ही घोषणा के बाद 2 माह के अंदर अंदर यदि संसद के साधारण बहुमत से उसका अनुमोदन हो जाता है तो अनुमोदन के पश्चात जो मंत्री परिषद है वो विघटित हो जाएगी, भंग हो जाएगी और विधानसभा एक तरीके से निलंबित हो जाती है, और राष्ट्रपति उस स्थिति में राज्य को समुचित दिशा निर्देश जारी कर सकते हैं। उस स्थिति में राष्ट्रपति राज्यपाल के मार्फत और राज्यपाल जो उस राज्य के शासन सचिव हैं उसकी सहायता से उस राज्य का प्रबंध, उस राज्य का प्रशासन चलाते हैं। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल है, ये अभी तक लगा नहीं है। ऐसी स्थिति यदि विशेष परिस्थिति पैदा होती है उस स्थिति में राष्ट्रपति जो सभी केंद्र अथवा जो राज्यों के जो कितने कोई भी कर्मचारी हो उनके वेतन भत्तों में कटौती की जा सकती है। इसमें सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी शामिल हो सकते हैं और वित्तीय दिशा निर्देश केंद्र ऐसी स्थिति में राज्यों को जारी कर सकता है। इसका जो प्रयोग है अनुच्छेद 352 का वो मुख्यतः 3 बार हुआ है। पहला जो हुआ जब 1962 में जब चीन ने भारत के ऊपर आक्रमण किया, उसी दौरान जब ये आपातकाल चल रहा था 1965 में पाकिस्तान ने भारत के ऊपर आक्रमण किया, तो 1968 तक चला जो पहला आपातकाल था वो युद्ध के कारण था। दूसरा आपातकाल 1971 में लगा जब पाकिस्तान ने पुनः भारत के ऊपर आक्रमण किया, वो भी युद्ध के कारण था। तीसरा जो आपातकाल था वो 1975 में लगा, जून 1975 में, जो आपातकाल इंदिरा गांधी जी ने आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया। तो इस प्रकार 3 आपातकाल राष्ट्रीय आपातकाल के रूप में लग चुके हैं। अनुच्छेद 356 का प्रयोग कई बार होता रहा है। सबसे पहला जो इमरजेंसी पेप्सू पंजाब में लगी, सबसे अधिक समय तक भी पंजाब में रहा है, सबसे ज्यादा बार यूपी में लगा है। तो अनुच्छेद 356 का प्रयोग कई बार केंद्र सरकार करती रही है। इसके कई बार ये आरोप लगता रहा है कि जो केंद्र सरकार है जो विपक्षी दलों को हटाने के लिए इस अनुच्छेद का प्रयोग करती रही है। एसआर बम्बई केस 1994 ने एक कई महत्वपूर्ण फैसले दिए, उसके बाद इसके दुरुपयोग की आशंका बहुत कम हो गई है। एसआर जो बम्बई जो केस है उसके डिटेल में पूर्व की वीडियो में भी आपको दे चुका हूँ, आप वहां से उनको अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। अनुच्छेद 360 अभी तक नहीं लगा है। तो इस प्रकार अनुच्छेद 352, 356 और 360 हमने तुलनात्मक रूप से पढ़े, ये हमें बहुत अच्छे से इस तरीके से याद कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।